सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआरके स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आदाब नाजरीन, मैं अबू ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआरके स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई। हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है और क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरह से हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नाजरीन, ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर, ये इसका पिन कोड है, एमपी इंडिया का है। ये 30 मई को ये नोटिफिकेशन आया है कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं और किस किस सब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर इन्वाइट्स एप्लीकेंट इन ऑनलाइन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस है, इस बात को याद रखिए। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये भी याद रखें, और रेगुलर बेसिस पे इन द फॉलोइंग टीचिंग पोजीशन एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पे देखिए, ये जनरल के लिए, एससी एसटी ओबीसी टोटल, तो ये इसके लिए। और पे स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं, पे स्केल यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का दिया हुआ। तो आइए हम देख लेते हैं, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एक सीट है जनरल के लिए, और बाकिया कोई सीट नहीं। यहाँ पे फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक सीट है जनरल के, म्यूजिक में भी एक सीट है। ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में एक सीट है, और एक सीट जनरल की है, एक सीट एससी की है, और यहाँ पे ओबीसी की टोटल 3 सीट है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में टोटल 3 सीट हैं, उसमें 2 जनरल के लिए है और एक सीट जो है ये आपको ओबीसी की है। हिस्ट्री में एक सीट है जनरल के लिए, फिलॉसफी में टोटल 1 सीट है, वो एससी की है, और साइकोलॉजी में टोटल 3 सीट्स हैं, 2 सीट जनरल की है और 1 सीट ओबीसी की है। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 2 सीट है, 1 सीट यहाँ पे आपको जनरल की और 1 सीट ओबीसी की। तो इस तरह से हम पूरी डिटेल देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या। आप को अगर थोड़ा स्पीड लग रहा हो तो आप इसे रोककर भी देख सकते हैं। सोशोलॉजी में टोटल 1 सीट है और वो 1 सीट ओबीसी के लिए है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस टोटल 4 सीट है, 2 सीट जनरल की है, 1 एससी की है और 1 ओबीसी की। हिंदी में टोटल 4 सीट हैं, जनरल ओबीसी, जनरल एससी एसटी और ओबीसी, तो ये टोटल 4 सीट हो गई। इसके अलावा लिंग्विस्टिक में 1 ही सीट है, वो जनरल के लिए है। संस्कृत में 2 सीट है, 1 जनरल की है और 1 आपको ओबीसी की है। उर्दू एंड पर्शियन में 1 सीट, वो जनरल के लिए है। स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंथ्रोपोलॉजी टोटल 2 सीट हैं, 1 जनरल की है और 1 एससी की है। ये है जनरल एंड अप्लाइड ज्योग्राफी, इसमें टोटल 3 सीट है, 2 सीट जनरल की है और 1 सीट एससी की है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी में टोटल 5 सीट है, 3 सीट जनरल की, 1 सीट एससी, 1 सीट एसटी की है और 1 है ओबीसी की। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में टोटल 3 सीट हैं, 2 जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज बोटनी की 3 सीट है, 1 सीट जनरल एसटी और 1 ओबीसी की। माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है, वो जनरल की है। जूलॉजी में 3 सीट है, 1 जनरल के लिए, एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए। स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन 2 सीट है, 1 जनरल के लिए और 1 एससी के लिए है। मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक में 4 सीट हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी। फिजिक्स में 2 जनरल की है, 1 एससी, 1 एसटी और 1 ओबीसी। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कॉमर्स की 1 सीट जनरल के लिए, 1 सीट एससी के लिए है और 1 ओबीसी के लिए। बिजनेस मैनेजमेंट में 1 एससी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए। लॉ में 1 जनरल की है और 1 ओबीसी की है, टोटल 2 सीट है लॉ में। आगे चलते हैं यौगिक साइंसेज में 1 सीट है, वो जनरल के लिए है। एडल्ट एजुकेशन 1 सीट है, वो भी जनरल के लिए है। एजुकेशन में 2 सीट है, 1 जनरल के लिए है और 1 ओबीसी के लिए। केमिस्ट्री में 4 सीट है, जनरल एससी एसटी ओबीसी, सबकी 1-1 सीट है। और जो वहाँ पे न्यू डिपार्टमेंट आए, कॉलेज ऑफ
प्री मेडिकल साइंसेस, इसमें 4 सीट हैं, 2 जनरल, 1 एससी और 1 ओबीसी। सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑन इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च सेंटर 1 सीट है और वो जनरल के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए 2 सीट है और दोनों ही जनरल के लिए। तो इस तरह से टोटल जनरल में 43 सीट्स, एससी की 13, एसटी की 7, ओबीसी की 22 और टोटल आपको 85 सीट्स हो जाएंगी। और ये जो 4 सीट है, ये 4 सीट है पीडब्ल्यूडी की। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट होगी वो 6 जून को होगी। डेट ऑफ फी पेमेंट और फी पेमेंट की 15 जुलाई तक ये डेट रहेगी। आप फी पेमेंट 15 जुलाई तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये भी 15 जुलाई तक है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड बाय 25/7/2019 यानी 25 जुलाई से। तो आपका 6 जून से स्टार्ट होगा, 15 जुलाई तक आप, 15 जुलाई को वो क्लोजिंग डेट है और 15 जुलाई तक आपको फी भी पेमेंट करनी है और 25 जुलाई को आपकी जो हार्ड कॉपी है वो भी पहुंच जानी चाहिए। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा हार्ड कॉपी भी आपको साथ में मांगी जा रही है, तो वो भी आपको देनी होगी और वो 25 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए। अब आइए नीचे देखते हैं कि कौन कौन से जो नोटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे दिया है वो क्या क्या चीज़ें, जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये तो पता है कि यूजीसी रेगुलेशन के जो जो सिलेक्शन होना है उसी के हिसाब से आपको अगर लग रहा है कि इसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसे पढ़ देता हूँ। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के साथ आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगाना है, एक्सपीरियंस लगाना है और पब्लिश्ड वर्क वगैरह आपके पास अगर हो तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लगानी होगी। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट, अगर आपका एप्लीकेशन कम्प्लीट नहीं है तो वो उसको विल बी रिजेक्टेड, ये लिखा है, ये तो सबके साथ होता है, तो वो आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देम सेल्फ बिफोर फिल, अगर आप सेटिस्फाइड हो तभी आप फॉर्म भरें, इसमें सिर्फ यही कहा गया। पॉइंट नंबर 6 है कि अ कैंडिडेट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको वहाँ पर एक देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे बनवाना होगा और ये भी उस वक्त लगेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाकर देनी होगी। आप फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप अगर जॉब में हैं तो ये आपको करना होगा। पॉइंट नंबर 7 है, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द यूनिवर्सिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी। ये तो जाहिर सी बात है कि इसी तरह हर जगह होता है। सर्विस कंडीशन एंड एज वो यूजीसी नॉर्म के तहत होगी, वो उसे आप देख लीजिएगा क्या क्या नॉर्म है या आप जानते ही होंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको इनक्लोज करना होगा, आपको लगाना होगा विद द एप्लीकेंट ऑफ हार्ड कॉपी द कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूली इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये वाली ये दोनों सर्टिफिकेट आपको साथ में लगानी होगी अगर आप एससी एसटी ओबीसी वगैरह नॉन क्रीमिलियर और पीडब्ल्यूडी से आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए लगानी होगी जो भी होगा। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/9, तो 1/4/2019 इस मंथ से पहले पहले आपका या इस डेट तक या इसके बाद जो इशू हुआ है वही आपके वही एलिजिबल होगा। तो वो आप देखिए उसको बनवा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो ये इसकी डेट है, ये इसे आप याद रखिएगा। द रिजर्वेशन विल बी, ये तो गवर्नमेंट इंडिया के नाम और यूजीसी इंस्ट्रक्शन के तहत से जो भी रिजर्वेशन होगा वो आपको दिया जाएगा। नो इंटरिम करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं आउट स्टेशन यानी उस स्टेट से नहीं है तो आप जब इंटरव्यू के लिए कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर विल बी पेड, अगर आप ऐसे सेकंड क्लास से आ रहे हैं तो उसका आपको पैसा वहाँ पे पेड किया जाएगा, टिकट और प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होना है, एज रिलैक्सेशन वगैरह आप इसे देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप वीडियो रोक कर आप इसे आराम से देख सकते हैं।
हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, 18 में एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड आफ्टर द लास्ट डेट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर एनी पर्पज एक्सेप्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट मे बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब ये है कि लास्ट डेट के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिया जाएगा, और आप अगर सबमिट कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही अलाउड है आफ्टर लास्ट डेट, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में देना है वो लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में है, तो उनको लिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे पेड करनी होगी, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करनी होगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाउ टू अप्लाई ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको फिल करना, ऑनलाइन फिल करने के बाद हार्ड कॉपी ऑफ द सेम जो आप फिल करेंगे उसकी सेम कॉपी आपको वहाँ पे भेजनी है, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट ओनली। रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजेंगे या तो फिर स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट 15, 15 तारीख तक आपका पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँचे, या फिर बिफोर द क्लोजिंग डेट। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे 15 जुलाई के बारे में बताया गया है कि हार्ड कॉपी ऑफ द सेम इज टू रीच ऑन द फॉलोइंग एड्रेस बाय रजिस्टर स्पीड पोस्ट ओनली ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट 15 जुलाई। लेकिन ऊपर में जैसे हमने देखा था कि वो जो हार्ड कॉपी मांगा है वो 25 जुलाई तक मांगा है, लेकिन यहाँ पे 15 जो डेट है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और फी पे करने की। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग वगैरह है, क्योंकि अगर कोई 15 को फिल कर रहा है तो 15 को भेज भी नहीं सकता है स्पीड पोस्ट वगैरह, तो ये डेट शायद 25 होनी चाहिए यहाँ पे, 25 तारीख को। और ये जो इस पे नाम होगा द रजिस्ट्रार DR हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 470003 MP इंडिया, ये उसका एड्रेस है। मेलअप शुड बी सुपर स्क्रैप्ट विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपका पोस्ट होगा स्कूल ऑफ, जो ऊपर में मैंने अभी दिखाया वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देख लेनी, स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेटेड वगैरह, ये सारे जो एडवर्टीजमेंट है इसका वो आपको लिखना है, और जो डेट पे ये हुआ है 30 मई को ये इशू हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको देना होगा। 1000 फॉर जनरल के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए ये 500 रुपये हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख ली, कैंडिडेट शुड सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ऑल द क्लेम्स मेड इन द एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी अचीवमेंट्स एंड पब्लिकेशन वगैरह जो कुछ आपने किया है, तो उसके लिए सपोर्ट के तौर पे आपको वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके अलावा आपको लाना है कैंडिडेट शुड सबमिट अ प्रूफ ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, पीयर रिव्यू जर्नल्स, रिफर जनरल, आपने जो कोई पब्लिकेशन वगैरह किया है तो उसका रिसर्च वगैरह के, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन, ऑनवर्ड एग्जामिनेशन, और कुछ भी आपका चल रहा है तो मैट्रिकुलेशन वगैरह का चाहिए, उसके अलावा भी दूसरी जो सारी सर्टिफिकेट वो भी चाहिए। एवरी पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज इनक्लोज डॉक्यूमेंट शेल बी साइंड बाय द एप्लीकेंट, फिलिंग विच फॉर्म मे नॉट बी कंसीडर। और आपका जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे उस पे आपका साइन होना चाहिए, साइन होने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये सारी डिटेल थी इस पोस्ट के बारे में। और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट फॉर ABC NCLE, ये सर्टिफिकेट आप इसे आराम से देख लीजिएगा धीरे से वीडियो को बढ़ाकर, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इत्मीनान से उसे देखिए। तो ये सारी डिटेल थी इस पोस्ट के बारे में जो मैंने यहां पे पढ़ दी है, उम्मीद है कि आप तमाम को पसंद आई होगी। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को, लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।